माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव करता हूँ। इसका मैं मन से समर्थन करता हूँ, मैं उसका अनुमोदन करता हूँ। श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। देश में नई सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। राष्ट्रपति ने नरेंद्र मोदी को सरकार बनाने का न्योता भी दे दिया है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री का शपथ लेने वाले हैं। राष्ट्रपति ने 9 जून को शाम में शपथ लेने का समय दिया है। एनडीए के संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद और सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने नरेंद्र मोदी का अभिवादन किया और भगवान जगन्नाथ की तस्वीर देकर उनका स्वागत किया। 9 जून को नवगठित सरकार का शपथ ग्रहण होना तय हुआ है। राष्ट्रपति से मिलने के बाद नरेंद्र मोदी ने यह बताया कि एनडीए सरकार को देश में तीसरी बार सरकार बनाने का आदेश मिला है। नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति की तरफ से आमंत्रण मिलने पर उन्हें आभार जताया। वहीं देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं देशवासियों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि 18वीं लोकसभा के 5 साल के कार्यकाल में भी हम उसी गति और समर्पण भाव के साथ देश के आकांक्षाओं को पूर्ण करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। साथियों, एनडीए सरकार को तीसरी बार देश की सेवा करने का देशवासियों ने आदेश दिया है, अवसर दिया है। मैं देशवासियों का फिर से एक बार ये अवसर देने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और मैं देशवासियों को विश्वास देता हूं कि पिछले 2 टर्म में जिस गति से देश आगे बढ़ा है, समाज के हर क्षेत्र में परिवर्तन साफ साफ नजर आ रहा है, 25 करोड़ लोगों का गरीबी से बाहर आना, ये अपने आप में हर भारतीय के लिए बड़ा गर्व का विषय है। और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि 18वीं लोकसभा में भी, हमारे 5 साल के कार्यकाल में भी, हम उसी गति के साथ, उतने ही समर्पण भाव से देश की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। एनडीए के सभी नेताओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और अपना समर्थन पत्र सौंपा। संसद के पुराने भवन के सेंट्रल हॉल में हुए एनडीए सांसदों की बैठक में नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुन लिया गया, जिसके बाद एनडीए के सभी नेता राष्ट्रपति भवन पहुंचे और राष्ट्रपति को अपना समर्थन पत्र दिया। एनडीए अब सरकार का गठन करने के लिए जा रहा है और यह तय हो चुका है कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर से पीएम बनने वाले हैं। राष्ट्रपति की तरफ से नरेंद्र मोदी को आमंत्रण भी मिल चुका है। एनडीए के संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद और सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद बीजेपी नेता नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। एक तरफ जहां पीएम मोदी राष्ट्रपति से मिल रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने आवास पर एनडीए नेताओं से एक एक करके मुलाकात कर रहे थे। बीजेपी अध्यक्ष ने एनडीए में शामिल सभी दलों के नेताओं से सरकार के प्रारूप की चर्चा की और खबर है कि सभी नेताओं से मंत्रिमंडल पर चर्चा की गई है। देखिए, तो 2 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। एक तस्वीर में आप देखिए, ये तस्वीर है, जब बता दें आपको कि नरेंद्र मोदी को न्योता मिला है
सरकार बनाने का। और देखिए दूसरी तस्वीर, जेपी नड्डा के आवास पर एनडीए की जब बैठक हो रही थी, एक तरफ जब राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ देखिए तब की तस्वीर है जब जेपी नड्डा के आवास पर एक एक करके सांसदों से बातचीत की जा रही थी, मुलाकात की जा रही थी। और साथ ही साथ बता दें आपको कि मंत्रालयों के बंटवारे पर चर्चा हुई है, जो सूत्र हमारे बता रहे हैं। चूंकि कैबिनेट में हिस्सेदारी को लेकर के सभी सांसद जो हैं वो लगातार चर्चा कर रहे हैं। एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई जिसमें नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना गया। नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव राजनाथ सिंह ने रखा जिसका एनडीए के सभी नेताओं ने समर्थन किया। मंच से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के हर निर्णय को स्वीकार करते हुए पूरी मजबूती के साथ काम करने का भरोसा दिया। ढोल नगाड़ा जश्न का माहौल, तस्वीरें देश की नई संसद के ठीक सामने की उस वक्त की है जब एनडीए की संयुक्त बैठक सदन के भीतर सेंट्रल हॉल में चल रही थी। अपनी तीसरी पारी की शुरुआत करने जा रहे प्रधानमंत्री मोदी को एक सुर में एनडीए संसदीय दल का नेता चुन लिया गया। एनडीए के संसदीय दल के नेता व लोकसभा के नेता के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव करता हूं, इसका मैं मन से समर्थन करता हूं। भारत की जनता को सर आप पर पूरा विश्वास है, लोग इनके साथ रहेंगे और एक साथ होकर के जो कुछ भी करेंगे इनकी बात को मानते हुए हम लोग आगे चलेंगे। मैं आज देशवासियों को यहां से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने जिस प्रकार से हमें बहुमत देकर के सरकार चलाने का सौभाग्य दिया है, ये हम सबका दायित्व है। देश को आगे ले जाने के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू के सर्वेसर्वा नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए उनके जल्द सरकार के गठन का आग्रह किया। जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। अब आप इतवार को करने वाले हैं तो हम तो चाहते थे कि आजो हो जाता तो अच्छा था, लेकिन आपकी जब इच्छा है तो जब भी हो, जितना तेजी से काम हो जाए तो बहुत अच्छा है। ऑनरेबल पीएम never took any rest, day and night he campaigned. In Andhra Pradesh we had 3 meetings, public meetings, 1 big rally. It had made a huge difference for winning the elections in Andhra Pradesh. प्रधानमंत्री मोदी जब आखिर में बोलने आए तो बेहद सधे हुए अंदाज में विरोधियों पर न सिर्फ तंज कसा बल्कि एनडीए गठबंधन को सबसे सफल अलायंस भी बताया। सकता हूं ये सबसे सफल अलायंस है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी तीसरी जीत के बाद स्ट्रांग होते एनडीए का नया नामकरण भी किया। कहा एन मतलब न्यू इंडिया, डी मतलब डेवलप्ड इंडिया और ए एस्पिरेशनल इंडिया है। मोदी कहते हैं एनडीए सबसे सॉलिड गठबंधन है, तो महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे कहते हैं कि एनडीए फेविकॉल का जोड़ है, टूटेगा नहीं। गठबंधन हुआ है, ये गठबंधन एक फेविकॉल का जोड़ है, ये बिल्कुल टूटेगा नहीं। नरेंद्र मोदी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री 9 जून रविवार को बनने जा रहे हैं। पूरी एकजुटता के साथ अपने सहयोगी दलों को भरोसा देते हुए प्रधानमंत्री मोदी डंके की चोट पर कह रहे हैं कि सब ठीक है और ये मोदी का सॉलिड गठबंधन है। प्रधानमंत्री लगातार तीसरी टर्म जीतकर देश के पीएम पद की शपथ लेंगे, जिस पर देश ही नहीं दुनिया भर की नजरें टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, भले ही एनडीए का आंकड़ा
292 का हो लेकिन ताकत 353 जैसा ही है। भाई स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। कि न हम हारे थे न हम हारे हैं। वंदे वंदे। गठबंधन के इतिहास में अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो ये सबसे मजबूत गठबंधन की सरकार है। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, बीजेपी और एनडीए की सीटों में थोड़ी कमी आई। बीजेपी को 240 और एनडीए को 292 सीटें मिली। हालांकि एनडीए का यह आंकड़ा बहुमत के आंकड़े से 20 ज्यादा है। रिजल्ट आने के बाद विपक्ष ऐसे खुश हुआ जैसे कि मैदान मार लिया हो। लेकिन 7 जून को संसद भवन में हुई एनडीए संसदीय दल की बैठक ने बता दिया कि भले ही एनडीए का आंकड़ा 292 का हो, ताकत 353 जैसा ही है। कि न हम हारे थे न हम हारे हैं। लेकिन 4 तारीख के बाद हमारा जो व्यवहार रहा है वो हमारी वो पहचान बताता है कि हम विजय को पचाना जानते हैं। एक स्वर में एनडीए के तमाम घटक दलों ने मोदी का समर्थन किया। एनडीए नेताओं ने कहा कि वो मोदी के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं और एनडीए गठबंधन फेविकॉल के जोड़ की तरह मजबूत है। मोदी जो भी फैसले लेंगे वो उनके साथ हैं। और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। भारत माता की। एनडीए संसदीय दल की बैठक में नरेंद्र मोदी ने अपने तेवर और अंदाज से बता दिया कि तीसरे कार्यकाल में भी उनका वही तेवर बरकरार रहेगा। अगर किसी को गलतफहमी हो तो दूर कर ले। मेरे लिए जन्म सिर्फ और सिर्फ वन लाइफ वन मिशन, ये मिशन है 140 करोड़ देशवासियों के सपनों को पूरा करने के लिए खप जाना। 3 अक्टूबर 2001 नरेंद्र मोदी ने पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने। प्रधानमंत्री के रूप में 26 मई 2014 को मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने। तब से लेकर अब तक उनकी राजनीतिक पारी बताती है मोदी अपने बल पर चुनाव और देश की राजनीति बदलने वाले नेता हैं और एक बार फिर वो उसी ताकत के साथ वो अपने तीसरे कार्यकाल में भी काम करेंगे। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तीसरी बार भी पीएम मोदी की अगुवाई में एनडीए सरकार की हैट्रिक लगने जा रही है। पीएम मोदी एक बार फिर से तीसरी बार देश की बागडोर संभालने जा रहे हैं, तो ऐसे में सभी की नजरें मोदी के तीसरे कार्यकाल में संभावित मंत्रियों के नाम को लेकर के भी टिकी हुई है। कैसा होगा मोदी कैबिनेट, कौन होंगे बिहार से सेंट्रल मिनिस्टर के चेहरे, इस रिपोर्ट में देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी टर्म में शानदार जीत दर्ज कर सत्ता की हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू के बाद ऐसा करने वाले मोदी देश के अकेले नेता बनने वाले हैं। ऐसे में सभी की नजरें टिक गई हैं मोदी कैबिनेट पर। पीएम के शपथ ग्रहण के बाद कौन बनेगा मिनिस्टर? वैसे पिछले 2 टर्म की यदि बात करें तो 2014 में बीजेपी कोटे से कुल 41 मंत्री थे जिसमें सहयोगी पार्टी के 4 मंत्री बनाए गए थे, जबकि साल 2019 में बीजेपी से 54 मिनिस्टर बनाए गए थे, सहयोगी पार्टी के 4 मंत्री बने थे। बात मोदी सरकार 1.0 यानी 2014 की करें तो बिहार से तब 9 मंत्री बनाए गए थे, इनमें 4 कैबिनेट मिनिस्टर, 2 स्वतंत्र प्रभार और 3 राज्य मंत्री बनाए गए थे। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल यानी 2019 में बिहार से 6 केंद्रीय मंत्री बनाए गए थे, इनमें 4 कैबिनेट मिनिस्टर और 2 मिनिस्टर फॉर स्टेट बनाए गए थे। अब मोदी सरकार के तीसरे टर्म में बिहार को कितनी हिस्सेदारी मिलने वाली है
इस पर भी सबकी नजरें हैं। वैसे मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में बिहार से जो संभावित चेहरे की चर्चा जोरों पर है, उनमें संजय झा, ललन सिंह, रामनाथ ठाकुर, सुनील कुमार, कौशलेंद्र कुमार, दिलेश्वर कामायत, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी का नाम शामिल है। वैसे केंद्रीय मंत्रिमंडल में कौन मिनिस्टर बनाए जाएंगे, किसे कैबिनेट और किसे राज्य मंत्री का ओहदा मिलेगा, ये पूरी तरह प्रधानमंत्री के अधिकार क्षेत्र में आता है। प्रधानमंत्री ही तय करते हैं कि अपनी टीम में वे किसे रखें और किसे नहीं। ऐसे में जिन नामों पर चर्चा तेज है वो सिर्फ कयासबाजी है। मंत्रियों के नाम के लिए कुछ दिनों का इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद नीतीश कुमार और ज्यादा मजबूत होकर उभरे हैं, या फिर यह भी कह सकते हैं कि बिहार के लिए नीतीश बहुत जरूरी हो गए हैं। भारत की जनता को सर आप पर पूरा विश्वास है। कुछ दिनों पहले तेजस्वी यादव ने जेडीयू के खत्म होने की भविष्यवाणी की थी। तेजस्वी ने कहा था कि 2024 में ही नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू खत्म हो जाएगी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों ने नीतीश को और भी ज्यादा मजबूत बना दिया है। 2025 विधानसभा चुनाव में नेतृत्व नीतीश कुमार का होगा। देखिए, नीतीश कुमार जी 1996 से एनडीए के नेता हैं, इसमें प्रश्न कहां उठा, जिनको प्रश्न है वो जाने। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी 2025 में नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात तो कह ही रहे हैं। कभी नीतीश के खिलाफ सियासी लड़ाई छेड़ने वाले चिराग पासवान ने भी कह दिया कि नीतीश के नेतृत्व में वे लोग विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, सीएम नीतीश के नेतृत्व से उन्हें कोई एतराज नहीं है। आज जब वो इस मजबूती से मेरे गठबंधन का जब वो नेतृत्व मेरे प्रदेश में वो कर रहे हैं, तो ऐसे में स्वाभाविक है कि जब विधानसभा के चुनाव होंगे उन्हीं के नेतृत्व में ही तमाम घटक दल उस चुनाव में जाएंगे। 2005 से बिहार की सत्ता पर काबिज नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार कभी भी अकेले दम पर सरकार नहीं बना पाए, लेकिन ये भी सही है कि बिना नीतीश के बिहार में कोई सरकार बनती भी नहीं है। अपनी राजनीतिक कौशल और विकास के काम की बदौलत नीतीश कुमार बिहार के लिए बहुत जरूरी हो गए हैं। पटना की सड़कों पर टाइगर जिंदा है स्लोगन के साथ लगे ये पोस्टर इस बात की गवाही भी दे रहे हैं। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। और यहां वक्त हो चला है कि छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज 18।